शाहजहांपुर के एक छोटे से ब्लॉक खंड खुटार से एक आशा ने एक ऐसा कार्य किया जिसे उसे जिले में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, अपितु पूरे राष्ट्र के नाम सम्मान मिला, जिसने पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया। इस आशा को मिलने सम्मान से खुटार शाहजहांपुर ही नहीं पूरे प्रदेश से पूरे भारत वर्ष को इस आशा ने चौंका दिया है, क्योंकि इस आशा ने छोटे से गांव में रहने वाली एक गरीब परिवार से जीवन यापन करने वाली महिला ने सभी को हतप्रभ कर दिया है, क्योंकि इस आशा ने एक नवजात शिशु जिसका वजन 1 किलो 400 ग्राम था, बच्चे की मां शीला देवी पत्नी सर्वेश कुमार अवस्थी के प्राण बचाने का कार्य किया। जो बच्चा आज बिल्कुल तंदुरुस्त है, जिस वजह से आशा उमा देवी को पूरे भारत वर्ष में यूनिसेफ की सुपरस्टार अभिनेत्री करीना कपूर द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। सुनिए इस आशा बहु की दर्द भरी कहानी। इस आशा ने अपने जीवन काल में इतने कष्ट उठाए कि आप भी इस आशा की कहानी को सुनकर अपना माथा थाम लेंगे। आशा उमा देवी के एक बेटे को 2011 आम के बाग में मधुमक्खियों ने काट लिया था, जिसकी उसकी आंख में पस पड़ गया था, जिस पर उन्होंने सीतापुर आई हॉस्पिटल में रेखा गोयल को दिखाया, जिन्होंने लड़के अमित कुमार के आंख में कैंसर होना बताया। तब आशा उमा देवी ने पीजीआई लखनऊ में डॉक्टर मुकेश पुनीता लाल क्रांति सिंह के देखरेख में इलाज करवाया, जिसके इलाज के दौरान लाखों रुपए अपने बेटे के इलाज में जमीन और जेवर बेच कर लगा दिए। जब इलाज के लिए रुपए भी कम पड़ गए, तब आशा उमा देवी एवं उनके पति शैलेंद्र द्विवेदी ने लखनऊ में ईंट गारे का कार्य करके अपने बेटे के इलाज के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन तकलीफ और दुख जब हुआ कि उनके बेटे अमित की डॉक्टरों ने आंख में कैंसर होने की वजह से आंख ही निकाल दी, तब से लेकर आज तक उनका बेटा आंख से अंधा ही नहीं हो गया, बल्कि वह बिल्कुल विचित्र और विकलांग सा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग जहां एक और दम तोड़ती नजर आ रही है, वहीं शाहजहांपुर के एक आशा कार्यकर्ती ने एक बच्चे की जान बचाकर एक मिसाल कायम की है। तुरंत पैदा होने के बाद बच्चे की स्थिति बहुत दयनीय थी, इस आशा कार्यकर्ती के प्रयासों से इस बच्चे की जान बच गई। यूनिसेफ ने इसे संज्ञान में लेते हुए फिल्म एक्ट्रेस करीना कपूर के हाथों इस आशा कार्यकर्ती को सम्मानित कराया गया है। शाहजहांपुर के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए यह गौरव की बात है। शाहजहांपुर की खुटार अंतर्गत आशा कार्यकर्ती ने एक बच्चे को जन्म दिलवाया। जन्म लेने के बाद बच्चा कुपोषण का शिकार था, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। आशा के गांव में ही करीना कपूर द्वारा सम्मान मिलने से हर तरफ खुशी का माहौल है। आशा उमा देवी की सहेलियों का भी खुशी का ठिकाना नहीं है, और वहीं उनके छोटे भतीजे ने तो करीना से अपनी ताई को सम्मान मिलने और करीना कपूर से फोन पर बात होने से वह करीना कपूर का इतना बड़ा फैन बन गया है। शाहजहांपुर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरपी रावत ने बताया कि जनपद के विकास खंड खुटार के ग्राम चांदपुर की आशा बहु उमा देवी पति शैलेंद्र त्रिवेदी द्वारा एक कम वजन के बच्चे की देखभाल करते हुए यूनिसेफ की होमवर्न से बच्चे का इलाज कराया और उसकी जान बचाई, जिसको लेकर आज यूनिसेफ के अम्बेडकर सुपरस्टार अभिनेत्री करीना कपूर द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। आपको कैसा लग रहा है कि आपके गांव की आशा बहू को जो है सम्मान मिला है? हमारी आशा उमा देवी को जो सम्मान मिला, हमें बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि बहुत ही बहुत 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 ज्यादा खुशी हुई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग जो करीना कपूर के द्वारा इन्हें सम्मान मिला है? जब करीना कपूर द्वारा ने सम्मानित किया गया, जो हमने यहाँ पे सुनी कि मतलब इनको करीना कपूर ने सम्मानित किया, तो मैं बहुत ज्यादा खुशी हुई की चलो हमारे गाँव की ग्राम चांदपुर की और खराब ब्लॉक की और जिला सुजानपुर की लगा के पूरी यूपी में इनका नाम हुआ, तो मैं बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत खुशी। अब भगवान से जयकारना कर रही, भगवान जी ऐसी कार्यरत रहें और उनके परिवार को सुखी रहें। जी मैम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी आशा जो है उमा जी वो हमारे साथ में ये काम करती है, मेरे ही क्षेत्र, वैसे तो चारों आंगनबाड़ियों का क्षेत्र एक में उमा आती हैं, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है, मैं मेरा नाम किरण देवी है, मैं आंगनवाड़ी के पद पर कार्यकर्ती के पद पर काम करती हूँ, और हम और उमा दोनों लोग एक साथ में ही लगभग जैसे ज़्यादातर एक साथ में ही जाते हैं गृह भ्रमण करने के लिए और एक साथ में ही काम करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों में से किसी को
उच्च स्थान तो मिला और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी आशा को इतना बड़ा पद मिला जी। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे ये पद मिला है उसकी गरिमा बनाए रखें और बहुत अच्छा कार्य करें और इनके बच्चे और ये बहुत सुखी रहें जी। जो करीना कपूर ने सम्मान दिया है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि लोग देखते हैं टेलीविजन पर देखते हैं कि यहाँ करीना कपूर, और मेरी आशा बहन जी ने सामने उनके साथ में जाकर फोटो खिंचवाया, उनके साथ में जाकर आमने सामने बात हुई। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बहन जी को इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। बहुत खुशी हो रही है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है जो हमें करीना कपूर ने हमें सम्मानित किया जी। आपके गांव में कैसा माहौल है, घर में कैसा माहौल है? क्या मेरे गांव में बहुत खुशी का माहौल है जो मैं करीना कपूर के पास पहुंची और मेरे घर में भी है। मैं एक गरीब परिवार की रहने वाली हूँ, इसलिए मैं गांव में काम कर रही हूँ। आपको इस संबंध कैसे मिला, कुछ बता सकते हैं आप? जी मैं आशा को हूँ, गांव में काम करती हूँ। एक छोटा बच्चा जन्मा हुआ था, बच्चे का नाम छोटू है और माँ का नाम शीला देवी, पिता का नाम सर्वेश कुमार अवस्थी। वो बच्चे का जन्म हुआ था, वो बच्चा बहुत कम वजन का था, इसलिए मैंने बच्चे को वजन बच्चे का किया और उसको अस्पताल ले गई, पीएससी ले गई, फिर मैं जिले तक ले गई। जिले तक ले जाकर बच्चे को भर्ती कराया, बच्चा ठीक है, बच्चे का वजन भी बढ़ गया है, वो सामान्य है। इसीलिए मुझे करीना कपूर ने बुला के सम्मानित किया। आपको ये सम्मान कहाँ मिला है? ये मुझे दिल्ली में मिला है। दिल्ली में ये किस तारीख को मिला था सम्मान आपको? मुझे मिला था 13 13 तारीख को जी, 13 मई को जी 2 बजे। तो अब बच्चा वो कैसा है, स्वस्थ है? अब बच्चा बहुत अच्छा है, वो 4.5 महीने का बच्चा है और उसका वजन 4 किलो 500 ग्राम हो गया है। बच्चा बहुत स्वस्थ है। आपकी माँ को जो सम्मान मिला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके इलाज के लिए माँ आपकी जो है कई महीनों तक हॉस्पिटल में लेके पड़ी रही, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक महीना तीन साल। तो आपको क्या दिक्कत थी? कैंसर हो गया था। तो आज आपकी माँ को सम्मान मिला है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। जी मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे परिवार से मेरी ताई जी दिल्ली गए, करीना कपूर के साथ उन्होंने फोटो खिंचा और सम्मानित की गई। एक गरीब परिवार से, मेरे घर में कोई सोचता नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में करीना कपूर अभिनेत्री जी के साथ मेरे घर से कोई उनसे मुलाकात करेगा। कैसा महसूस कर रहा है आपका परिवार, क्या महसूस? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे गाँव में बहुत अच्छा, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे परिवार में लोग बता रहे हैं कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है। इनको वहाँ दिल्ली में सम्मानित किया गया करीना कपूर जी के साथ और कुछ डॉक्टरों के साथ। खुटार ब्लॉक के अंतर्गत चांदपुर ग्राम की एक आशा उमा देवी है, जिसने जो है एक कम वजन के बच्चे की देखभाल किया और उसको जो है उसकी जान बचाई, जिसकी वजह से होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर HBNC के माध्यम से उसने सारी जांच कराई। यूनिसेफ के माध्यम से इसको स्टेट पे ले जाया गया और स्टेट से जो है वो सेंट्रल में ले जाया गया, तो उसको जो है केंद्र के द्वारा उसको प्राइज दिया गया और उसका ऑल ओवर इंडिया में पहली ऐसी आशा है जिसको कि ये प्रोत्साहन दिया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया और उसको हम लोग भी जो है वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि अन्य आशाओं को जो है भी इसका जो भी इसके द्वारा कार्य किया गया है वो लोग भी कार्य करें, बच्चे की देखभाल हो और उनका भी नाम हो और जनपद का भी नाम रोशन हो। मेरा नाम राजू जी और ये उमा देवी जो हमारी बहू हैं, इनके हस्बैंड जो हैं शरण त्रिवेदी जी, वो शिष्य मंदिर प्रधानाचार्य हैं तेरामूर्ति डिस्ट्रिक्ट के लिए थे। और हमारा गांव जो है चांदपुर, ये डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर में है और मुझे बहुत खुशी की बात है और बहुत मतलब बहुत बहुत बधाई है इनको, उमा देवी को, कि उन्होंने इतना सम्मान पाया दिल्ली में जाकर कृष्णा देवी के समान उन्होंने सम्मान किया। हर नहाई गाँव में रहते हैं और उमा देवी जो हैं
हमारी आशा है ठीक। और हमें बड़े हर्ष की खुशी की बात है कि जो उन्हें मतलब सम्मान मिला है बहुत अच्छे, क्योंकि हमारे ब्लॉक कुटार में और डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में जो इनका नाम इन्होंने रोशन किया है, मैं यही दुआ करती हूँ सदाए नाम अपना इनका रोशन हो और इनके बच्चों का भविष्य अच्छी करें। कैसा महसूस कर रहे हैं जो करीना कपूर? हमें बहुत अच्छा, बड़ी खुशी की बात थी, बड़ी हमें हर्ष हुआ था जब ये करीना कपूर के पास जब इनके मैंने फोटो देखा उसे और जब वहाँ भाषण मतलब बातचीत कर रही थी तो हमें बड़ी खुशी की बात हो रही थी। ये हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि चलो मेरे ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में प्रथम नाम आया। फिर दूसरी बात यह है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश और यूपी में ही सम्मानित प्रथम पुरस्कार जो है सम्मानित हुआ है, ये मैं बड़ी खुशी की बात है। ये बेटा दूसरे नंबर का है। तो क्या हो गया इसको, क्या है? इसको जो ये बाघ के लिए गया था उसको मधुमक्खी ने काट लिया था, इसके आँख के नीचे कैंसर हो गया था जी। शाहजहाँपुर और पीलीभीत पूरनपुर में इलाज इसकी कराती रही, इसको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इसको दिखाया मैंने उसमें सीतापुर में दिखाया रेखा गोयल को, उन्होंने बताया इसको जल्दी से जल्दी ले जाइए मेडिकल के लिए, इसके कैंसर हो गया है। तो इनके पापा जब दिखाने के लिए गए तो कुर्सी से नीचे गिर गए। हटा लीजिए, मैं बहुत दुख लगा, दुख तो लग रहा है। आपके हस्बैंड कुर्सी से गिर गए? नीचे गिर गए तो उन्होंने कहा उठकर जो है हिम्मत बांधी है, फिर घर लेके आया तो बताया, फिर इसको पीजीआई के लिए लेके गए। जो मिथिलेश कुमार हमारे यहाँ विधायक थे उन्होंने पर्चा लिखा मेडिकल के लिए, मेडिकल नहीं ले गए तो उसको पीजीआई के लिए ले गए इसको। फिर इसकी जांच हुई, उसके बाद में इसको भर्ती करा दिया, उसके बाद में इसका ऑपरेशन हुआ तो इसकी आँख निकाल दी गई। मैंने बहुत सी समस्या, बहुत परेशानी उठाई इसके बच्चे के लिए। मैं वहाँ 3 साल रही और मेरे हस्बैंड ने गारा और ईंट का, मेरे हस्बैंड ने ईंट और गारा की मजदूरी करके इस बच्चे का इलाज कराया। अब ये बच्चा ठीक है और इसका इलाज चल रहा है। इसी वजह से मैं 3 साल पीजीआई में पड़ी रही, मेरा घर सब बर्बाद हो गया, घर बार खेती बाड़ी सब बेकार हो गई। मैं इस बच्चे से बहुत परेशान हूँ, तब भी मैं इसी वजह से इस बच्चे की मुझ में बहुत जो है ममता है। इसी तरह से मैं दूसरे बच्चों की बहुत देखभाल अच्छी तरह से करती हूँ कि सभी के बच्चे और माँ स्वस्थ रहे। मैं तो परेशान हूँ मगर दूसरे की माँ कोई परेशान ना हो। मेरा बच्चा भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, मगर अपने गांव में बहुत ज़्यादा काम करती हूँ दूसरे के बच्चों के प्रति। मैं बहुत परेशानी उठाती हूँ, इस समय मेरा बच्चा परेशान है। इलाज मेरे बच्चे का पैसे के खाते पूरा नहीं हो पाया, 4-5, 60 हफ्ते बताए थे तो 5 हफ्ते छूट गए बच्चे के पैसे के कारण। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए जो कुछ जो चाहे सरकार वो कर सकती है। मेरा बच्चा तो अभी तक आपको कोई सरकार ने कोई आपको लाभ नहीं दिया? मुझे कोई लाभ नहीं मिला, किसी ने मेरे बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे 2 बच्चे बेटे हैं जो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, पढ़ाई छूट गई इस बच्चे के कारण और मैं बहुत परेशान रही। मेरा बच्चा अभी परेशान है और मैं एक गरीब परिवार की रहने वाली हूँ, मेरा टूटा फूटा घर पड़ा हुआ है। इस बच्चे के कारण मैंने कुछ नहीं कर पाया, इस बच्चे का इलाज करवाया।